हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से। मैं बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के, वेरी इजी मेथड लेकर के आए हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इसके पहले जान लेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक आपको दी जा चुकी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि गिवन 15 कॉट ए, हमारे माइंड में बन जाता है कॉट ए, इट्स मीन्स कॉस ए अपॉन साइन ए, अपोजिट किसका है, टेन ए का, इक्वल टू 8। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, हमें दिया जा चुका है कि कॉट ए इक्वल टू गिवन पॉइंट। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि गिवन पॉइंट्स, आपके गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों 15 कॉट ए इक्वल टू दिया गया है 8। हम कर सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15, मल्टीप्लाई 15 में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, जब हमें पता हो गया है। बहरहाल हम जानते भी हैं कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसके कॉट ए निकालेंगे बच्चों। जब हमारा कॉट ए निकला, ये साइन कॉस टेन है, कॉसेक से कॉट, कॉट इक्वल टू हमारा कॉट थीटा इक्वल टू होगा बी अपान पी, बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस हमारा हो जाएगा तब 8, बेस अपान ये इस किसके किसके वैल्यू है, बी अपान पी के, बी एस हमारा 8 हो जाता है एंड परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 15। हमें एसी यानी कि इट्स मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस बच्चों हमारा है एसी स्क्वायर। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना आ जाता है तो सब कुछ प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। एक बार तो हाइपोटेनियस निकालेंगे, फिर जो फाइंड के जो हमें फाइंड करना है यानी कि जो हमें ज्ञात करना है वो हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को हमें बेस दिया गया है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा है बी सी स्क्वायर। हम इसे कर सकते हैं ए बी हमारा दिया गया है 8 स्क्वायर प्लस बी सी को 15 स्क्वायर, ये हो जाता है 8 × 8 प्लस 20 यानी 64। 15 को जब हम निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है कंडीशंस में 225, ये हो जाएगा 225। दोनों को ऐड कर लेंगे 5, 4, 9, 6, 2, 8 एंड 2 यानी कि 289 आ जाता है। ये तो हमारी वैल्यू है ए सी स्क्वायर की। जब रूट हटाते हैं यानी कि वर्ग हटाते हैं तो रूट लग जाता है, ए सी निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 289 आ जाए जो कि 17 × 17 का एलसीएम है। पेयरिंग कंडीशन में इसलिए 17 बाहर आ जाता है, अंडर रूट निकल जाता है, तो ए सी की वैल्यू हमारे 17 सेंटीमीटर कंफर्म हो चुका। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, ए सी की वैल्यू हमारी हो गई 17 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड हो गया 17 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है बच्चों साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू एंड सेक ए, यही तो निकालना है और कुछ तो निकालना नहीं है। साइन ए जब हम निकालते हैं बच्चों, साइन ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी अपान एच, साइन ए इक्वल टू पी अपान एच एंड सिक ए, सिक इसका अपोजिट होता है कॉस होता है बी अपान एच, बट सिक हमारा होगा बच्चों एच अपान बी। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है साइन कॉस टेन कॉसेक सिक कॉट, जो कि ऊपर वाले का अपोजिट जस्ट नीचे वाला होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, सिक ए हो जाता है एच अपान बी। नाउ इससे हम देख लेंगे पी अपान एच है, ऐसे ही लिखेंगे पी अपान एच, परपेंडिकुलर हमारा 15 अपान एच हमारा आ जाता है 17, 15 अपान 17 एंड सेक ए में एच अपान बी, एच क्या है 17 अपान बी हमारा 8 है। तो ये तो नाउ नोट डाउन आप कर लेंगे यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका ये पॉइंट्स बन जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, यानी कि 15 अपान 17 और फिर 17 अपान 8, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही सेम इजी मेथड हम लेकर के आएंगे इसी लेक्चर्स में, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। आपको कुछ भी नथिंग से नहीं करना, सिर्फ हम एक बार अपना पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस फार्मूला से ये निकाल लिए एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर हमें फाइंड करना था साइन एंड से के अकॉर्डिंग टू हम फिगर से एंड अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला से हम ये पॉइंट्स निकाल चुके। ऐसे ही सेम हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ ये भी कहना चाहेंगे वीडियो पोस्ट करके आप इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, देखते हैं आंसर कितना आता है आपका। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। चलिए बच्चों आपका प्रेजेंटेशन हो चुका क्वेश्चन नंबर 5 के, इसके पहले वाले जस्ट
प्रेजेंटेशन में हम देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। आपके माइंड में बन गया होगा बच्चों sec थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, होता है पंडित भोले प्रसाद अपान हर हर भोले, यानी कि लाल बटे कक्का, हिंदी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या है आपको ये माइंड में रखना होगा, सेक तो दिया गया बट इसमें कोई भी रेशियोज यानी ए बी सी डी ए टू जेड ये नहीं दिए गए हैं आपके, इसमें थीटा करके दिया गया है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपके रेशियोज फाइंड करने हैं। इसी कंडीशंस में हमें दे दिया गया है थीटा ज्ञात करने के लिए। तो हम नाउ फार्मूले बना लेते हैं फिगर ए बी सी। चलिए ले लिए ए बी एंड सी, हमारा ये दिया गया है sec थीटा, हमें पता है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, साइन अपान sec यानी cosec हो गया, ये साइन का हो गया p अपान h होगा क्या, साइन का होता है sin थीटा p अपान h, एंड फिर cos का होता है हमें cos का होगा क्या, cos थीटा इक्वल टू b अपान h, b अपान यस, एंड फिर tan थीटा इक्वल टू होता है p अपान b दिया गया, p अपान b यही फार्मूला होता है। साइन का अपोजिट cosec एंड cos का अपोजिट sec, फिर tan का अपोजिट cot, तो हमें पूछा गया है sec तो cos दिया गया b अपान यस, sec क्या हो जाता है sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया ही गया है, वो क्या जाएगा sec का यच अपान b, यच अपान बी, यच अपान बी मतलब हाइपोटेनियस एंड बेस, तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 13 एंड बेस हो जाएगा हमारा 12। ए बी की यानी कि लंबाई की हमें दूरी फाइंड करना है, तो भाई हाइपोटेनियस से कर क्या लेंगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये होता है। बट फाइंड हमें क्या करना है, ऐसे सेम प्रोसेस में नहीं करना है, क्योंकि हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू करते हैं, तो होगा क्या ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की दिया गया है 13 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस में वैसे लिख लेते हैं, बी सी का दिया गया है बच्चों 12 स्क्वायर, हमें पता है 13 × 13 169 होता है, ए बी स्क्वायर वैसे ले लेंगे, ये होगा 12 × 12 144, सेम प्रोसेस में 169 ये अपोजिट साइड आ जाता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर वैसे हम लिख लेते हैं, ये बचेगा 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 25 अंडर 25 होता है, अब ये हो जाएगा पेयरिंग सिस्टम है तो 5 इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है, इसकी आ गया है 5 की तरह सेम अक्सर बना हुआ भी था ना, चले तो इसकी दूरी हमें पता हो गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब हमें नाउ फाइंड क्या करना है, चलिए ये तो हम निकाल चुके, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर इट्स मीन्स होता क्या है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा, यही तो होता है ना, साइन कॉस टेन, उसका अपोजिट साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, चलिए सिर्फ यही याद करिए, यस सी टी, यस सी टी, यस सी टी अगर हम याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है बच्चों, एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है, सिर्फ यही फार्मूला आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपको और कुछ भी नहीं करना, वनली हम कहेंगे आपके टीचिंग ऑफ लेवल 3 टाइप्स के होते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, तो आपको ये फार्मूला जो है आपको करना क्या है, रिमेंबरिंग यानी याद कर लेना है, बाकी सारे पॉइंट्स हम जो बता रहे हैं आपको दोनों करने, अंडरस्टैंडिंग पहले करिए फिर रिफ्लेक्टिव करने हैं, तो इट्स मीन समझ रहे हैं ना, सबसे पहले आप समझेंगे और जब किसी तीसरे को जब हम समझाने चलते हैं, खुद समझ करके जब समझाते हैं, यानी कि उसको आत्मसमर्पण कर लीजिए, अपने आप से उसे समझ लीजिए, जिससे कि किसी अगले को भी हम समझा सके, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, सिर्फ बहरहाल आपको हम यह रिमेंबरिंग पॉइंट्स दे रहे हैं फार्मूला, ओके। तो अब साइन थीटा में करेंगे क्या, साइन थीटा होता है साइन थीटा पी अपान एच, पी अपान एच, कॉस थीटा बी अपान एच, बी अपान एच, चलिए हो गया, टेन थीटा पी अपान बी, ये हो जाएगा पी अपान बी, कॉसेक का जस्ट अपोजिट एच अपान पी, कैसे कॉसेक है तो एच अपान पी, एंड सेक का एच अपान बी, कॉस का अपोजिट एंड कॉट का अपोजिट टेन, पी अपान बी है तो बी अपान पी, बी अपान पी,
सेम प्रोसेस सब कुछ निकाल लेते हैं। थीटा में है इसलिए ए बी सी कुछ भी रेशियो नहीं देखना है आपको, सिर्फ थीटा है तो थीटा के मायने में पी अपान एच क्या होता है, ये पी हो गया है, ये बी हो गया है एंड ये एच, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस आधार कर्ण सॉरी कर्ण लंब, इतना कन्फर्म हो गया। तो परपेंडिकुलर अपान एच यानी पी अपान एच, पी अपान एच तो हो जाएगा 5/13, कन्फर्म हुआ। कॉस थीटा को बी अपान एच, बी अपान एच 12/13 कितना इजी है देख रहे हैं, कितना इजी, सिर्फ तो सिर्फ आपको यही मेथड समझ लेना, ये समझने के बाद वैल्यू तो सारे अपने आप पुटअप हो जा रहे हैं। टेन थीटा में पी अपान बी यानी कि 5/12 अपने आप से आप सॉल्व करते चलेंगे, ये अपान है। फिर एच अपान पी यानी कि 13/5 सेक का देख लेते हैं, एच बी 13/12 जो भी वैल्यू है सिर्फ वैसे पुटअप करते चलेंगे। बी पी बी आई पी साहब हैं, चले भैया इनको 12/5 कर लेते हैं, यहीं पे हम डाल लेंगे ए एन। यस लेक्चर नंबर ख़त्म, लेक्चर आपका पॉइंट्स जो था ख़त्म हो चुका, करना कुछ भी नहीं था बच्चों। पूछा गया था गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, हमें पता है सेक थीटा इक्वल टू हमें होता क्या है एच अपान बी से हम निकाल चुके हैं, एच हमारा बेस हो चुका है सॉरी हाइपोटेनियस 13 हो चुका एंड 12 हम मान लिए बी, तो 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू हम पाइथागोरस थ्योरम के निकाल लिए। फिर हमें पूछना था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट करिए आल, इसमें तो सेक थीटा के वैल्यू हम ये पूछा ही था 13/12 हमारा आता, बट जो है और भी फाइंड्स इतने के और सारे प्रोसेस हमें फाइंड करना था, तो जो कि हम आपके सामने ये दिखा चुके हैं, ये फाइंड हो चुका है। बहरहाल कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों, क्योंकि आज अगर नहीं पूछोगे तो यही एक पॉइंट्स लेकर के बड़े आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगर आपको मिलना है फिर से तो वेट कीजिए, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, लॉकडाउन का मजा उठाते रहिए साथ साथ, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस जारी रखिए बच्चों।